पहला लोगों के रुझान सीगा झाड़ू का जदों मैदान खाली सी जदों तो किसान मैदान के आ गए संयुक्त समाज मोर्चे ने अपने कैंडीडेट उतार दते आ उदों तो झाड़ू वाला रुझान जिहड़ा खत्म होंदा जा रहा जिहड़े कांग्रेस नाल संबंधित ने अकाली दल नाल संबंधित ने वह कहिंदे आप दा हत्थ उत्ते आ अजे तक यह गल चल रही आ वो हत्थ नूं नीचा करन लई तुसीं की करोगे संघू बार्डर से बख बख बार्डर से पानी की सप्लाई बंद की है उदों असीं अपने इलाके दे विचों पिंडां दे विचों लोकां नूं लामबंद करके पानी के ट्रक लैके दिल्ली नूं पहुँचे हुण तुसीं इह देख लो भी जिहड़े दिल्ली की सरकार सानूं पानी नहीं दे सकी वह पंजाब दे लोकां नूं होर की दे सकदी है को ना तो दिल्ली मॉडल की गल है ना सिद्धू मॉडल की गल है ये तो सिर्फ लॉलीपॉप है लोगों को गुमराह कर रहे हैं करन जोगे कुछ नहीं हुण तक 75 साल इन्हां पार्टियां दी सरकारां बणियां जे इन्हां ने कुछ करना हुंदा तां कर लेना चाहिए सी हुण तक जे माइनिंग ते रोक लग जाए नजायज़ उत्ते सरकारी जिहड़ा पैसा वो बन सकता है खजाना भर सकता है ये कित्थे खोट आ ते किवें उस खोट नूं दूर करोगे ये धारणा जी बनी हुई है कि जिहड़े जट ने वह सीधे साधे हुंदे आ उन्हां नूं सियासत नहीं आउंदी सियासत दी खेड समझ आ ही नहीं सकदी प्रोग्राम आ गया नेता जी विच मैं दर्शन सिंह खोखर तुहाडा स्वागत करदा असी पहुंचिया श्री आनंदपुर साहब की धरती उत्ते जिथे चोण मुकाबला सख्त है एक पासे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हत्थ उत्ते दस्या जा रहा दूजे पासे किसानां दे नुमाइंदे शमशेर सिंह शेरा दे शेरा यह दावा करते हैं कि हुण मेरा हत्थ उत्ते हो गया क्योंकि पिंडां दे विच उन्होंने अपना संपर्क बना लिया गल करांगे शमशेर सिंह शेरा नाल अपने वर्करां नूं लीडरां नूं वो मिलते हैं तो इलाके दीआं समस्यावां बारे भी जाणांगे पंजाब की सियासत बारे भी गल करांगे तो पंजाब का विकास किवें करनगे इह उहदे बारे भी गल करांगे शेरा जी स्वागत है तुहाडा तुहाडा दैनिक सवेरे का बहुत बहुत स्वागत है जी तुसीं अपना कीमती समां कढ के पिंड ढेर दे विच पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चे के उम्मीदवार होण दे नाते मैं तुहाडा स्वागत करदा हां जी की लगदा इस बार तुसीं टक्कर किहड़े उम्मीदवार नाल देखदे हो देखो जिहड़ी टक्कर साडी हुण उह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दे नाल बणदी जा रही है अज सानूं दिन सिर्फ 8 होए आ कंपेन महंगाई नूं असी तकरीबन 67 पिंडां दे विच डोर टू डोर कंपेन कर चुके हैं पिंडां दे विचों बहुत बड़ा हलारा मिल रहा पहला लोगों के रुझान सीगा झाड़ू का जदों मैदान खाली सी जदों तो किसान मैदान के आ गए संयुक्त समाज मोर्चे ने अपने कैंडीडेट उतार दते आ उदों तो झाड़ू वाला रुझान जिहड़ा खत्म होंदा जा रहा हुण किसानां दा पलड़ा जिहड़ा बिल्कुल भारी होंदा जा रहा जिवें लोगों के उत्साह है दिल्ली के मोर्चे नूं लेके लोगों दीआं कुरबानियां नूं लेके इस बार जिहड़ा पंजाब दा निज़ाम जिहड़ा उह बदलेगा आनंदपुर हल्के दा निज़ाम जिहड़ा बदलण जा रहा तुसीं देखोगे आउण वाले 5-4 दिन दे विच हफ्ते दे विच विच बिल्कुल पासा पलट के रह जाएगा पहला साडी लोकां नाल भी गल हुई है जिहड़े कांग्रेस नाल संबंधित ने अकाली दल नाल संबंधित ने उह कहिंदे आप दा हत्थ उत्ते आ अजे तक इह गल चल रही आ उह हत्थ नूं नीचा करन लई तुसीं की करोगे असी तो घर घर जाके लोगों के कोल प्रचार कर रहे हैं जी असी को बड़े इकट्ठ करके ड्रामेबाजी नहीं कर रहे जिहड़े पिंडां दे विच बजुर्ग मातावां भैणां बैठे आ उन्हां दा सानूं बड़ा बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा हाथ उत्ते वाली कोई गल नहीं पर असी हुण मुकाबले दे विच आ चुके हैं एक हफ्ते दे विच विच सारा कुछ तुहाडे सामने आ जाएगा जदों दिल्ली मोर्चा लग्गिया जां पंजाब दे विच मोर्चा सी तीन खेती कानून नूं रद्द करन वास्ते तुहाडी की सरगर्मी सी उहदे विच मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन श्री आनंदपुर साहब का प्रधान है जी तो नक्कियां टोल प्लाजा असी लगभग 13-14 महीने घेर के रखिया दिल्ली दे विच जदों भी लोड़ पैंदी सी दिल्ली दे विच भी मोर्चा लाईदा सी 27 जनवरी नूं जदों दिल्ली दी सरकार ने संघू बार्डर ते बख-बख बार्डरां ते पानी दी सप्लाई बंद कीती आ उदों असी अपने इलाके दे विचों पिंडां दे विचों लोकां नूं लामबंद करके पानी दे ट्रक लैके दिल्ली नूं पहुँचे हुण तुसीं इह देख लो भी जिहड़े दिल्ली दी सरकार सानूं पानी नहीं दे सकी उह पंजाब दे लोकां नूं होर की दे सकदी आ असी पंजाब दे लोकां नूं अपने किसान भरावां नूं इत्थों लिजा के आनंदपुर साहब तों पानी दीआं बोतलां पैकिंग जा के वरताया इस करके जिहड़ी इह दिल्ली दी सरकार है इह सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही है एक्चुअल दे विच करन वास्ते इहनां कोल कुछ नहीं हैगा सिर्फ शोशेबाजी आ की लगदा कि जिस तरह तुसीं कह रहे हो कि 8 दिन होए ने मेरी टिकट दा ऐलान होया नूं
कहिंदे अरविंद केजरीवाल ने जानबुझ के कि कंप्रोमाइज़ करदिया समझौता करदिया जानबुझ के किसानां दीआं जिहड़ीआं ने टिकटां ने वो लेट ऐलान कर दित्तियां। इत्थे जिहड़ी संयुक्त समाज मोर्चे की लीडरशिप आ वह थोड़ा धोखा खा गई। देखो धोखा तो करिया केजरीवाल ने, केजरीवाल पहलां तो धोखा करता आया, दिल्ली के लोगों नाल भी धोखा करिया, साडे लीडर बलबीर सिंह राजेवाल नूं भी कुछ दिन भरम च रखिया कि असी थोड़े नाल समझौता करके सरकार बनाउणी है, क्योंकि उन्हां नूं पता सी भी जिहड़ी धिर किसानां दी धिर जिहदे नाल खड़ गई उहदी सरकार बणूगी। इस करके वह किसानां दे नाल जुड़ना चाहुंदा सी पर किसानां नूं गुमराह करदा रहा। पर साडे लीडर जिहड़े उह बहुत सियाणे है, जिहड़िआं ने दिल्ली दे विच मोदी नूं गोडिआं भार कर दित्ता, पंजाब जितना उहनां वास्ते कुछ भी नहीं हैगा, आने वाले दिनों के पंजाब जित के पंजाब दे विच सरकार बनाउण जा रहे हैं असीं संयुक्त मोर्चे वाले। आनंदपुर साहब इलाके के मुद्दे की ने, मेन कीड़ियां मंगा ने जिन्हां बारे तुसीं लोकां नूं विश्वास दवा रहे हो कि आ मसले तुहाडे हल करांगे? देखो मुद्दे तो बहुत ने आनंदपुर साहब हल्के दे, पर मेन मुद्दा इत्थे जिहड़ा हैगा नजायज़ माइनिंग दा है। इस इलाके नूं हुण तक सारे ही लीडर ने लुटिया, चाहे वह कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, कोई भी सरकार बनी उन्होंने लुटिया। इस इलाके दे विच जिहड़ा माइनिंग है नजायज़ चलती है उहदी इक साडे इलाके की बहुत वड्डी लुट हुई है। सब तो पहला तो असीं उस लुट खसुट नूं रोकांगे। दूजा मुद्दा इस एरिए दे विच हैगा आवारा पशुआं दा, आवारा पशुआं नूं रोकण वास्ते प्रबंध करांगे। मैं पिछले दिन ही जज्जर पिंड दे विच जाके आया, उत्थे 5 दिन हो गए पीण वाला पानी नहीं लोगों को मिलिया। हुण भी लोग 75 साल आज़ादी तो बाद भी टैंकियां रास्ते पानी मंगा के घरां दे विच मुल दा पानी पीण वास्ते मजबूर है। इन्हां सरकारां नूं वोट मंगण दा कोई हक नहीं जिहड़े 75 सालां दे विच लोकां नूं पीण वाला पानी भी नहीं दे सके। पंजाब लैवल ते की मुद्दे ने, क्योंकि गल पंजाब दी चल रही है कि पंजाब दी होनी नवें तौर पर सिरजी जाए। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब मॉडल की गल करते हैं, किसान लीडरां ने कहा कि किसानों की 25,000 पर मंथ इनकम पक्की होएगी, होर भी कई तरह के वादे किए ने। पंजाब लैवल से जिहड़ी कि वेव बन सकती है किसान जथेबंदियों की, वह किहड़े मुद्दे बारे में? देखो ना तो दिल्ली मॉडल की गल है ना सिद्धू मॉडल की गल है, ये सिर्फ लॉलीपॉप है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, करन जोगे कुछ नहीं। हुण तक 75 साल इन पार्टियां दी सरकारां बनियां, जे इन्हां ने कुछ करना हुंदा तां कर लेना चाहीदा सी हुण तक, पर हुण इह किसानां तों डरदे झूठे वादे कर रहे आ लोकां नूं। साडे मेन मुद्दे जिहड़े हैगे आ, जिहड़ा पंजाब उह खेती प्रधान देश है, स्टेट है, छोटियां छोटियां इंडस्ट्रियां पिंडां दे विच खेती दे नाल संबंधित लगा के लोकां नूं पिंडां दे विच रुजगार मुहैया करवाउणा साडा मेन निशाना होगा। नौजवानां नूं जिहड़े बाहर वल नूं भज रहे आ उहनां नूं रोकणा साडा अहम मुद्दा। ते सब तो बड़ा जिहड़ा पंजाब दे विच लुट तंत्र है, अफसरशाही वालों लीडरां वालों, वो लुट खसुट नूं बंद करांगे। लोगों वास्ते नौजवानों वास्ते रुजगार के साधन बन पैदा करने साडा मुख निशाना होगा। जिहड़ा माफिया राज का खात्मा किवें हो गया? तुसीं अपने इलाके दे विच माइनिंग की गल की आ, जे माइनिंग ते रोक लग जाए नजायज़ उत्ते सरकारी जिहड़ा पैसा वो बन सकता है, खजाना भर सकता है, ये कित्थे खोट आ ते किवें उस खोट नूं दूर करोगे? देखो जी ये पहली खोट तो राजनीतिक लीडरां दी आ, दूजी अफसरशाही दी आ। असी पिछले 1.5 साल तो जिथे लोड़ पैंदी सी अपने इलाके दी किसे समस्या वास्ते दरी बिछा के बैठण नूं देर नहीं सी लाउंदे। जेकर यह लुट तंत्र बंद ना होया तो असी इहनूं इसे तरह किसानां दे तौर ते जिवें पहलां करदे रहे बंद, इस नजायज़ लुट नूं जरूर बंद करावांगे। असी इस एरिए जदों असी लोकां नाल गल कीती उह कहिंदे गुंडा परची 4.5 रुपए हो गई, अकालियां वेले 1 रुपया सी, जिहड़ा पैसा उपर जाता है चाहे वह अफसरशाही कोल जाता होवे चाहे लीडरां कोल जाता होवे, वो 4.5 रुपया सारे पंजाब के लोगों पर बोझ आ, क्योंकि रेते का रेट वो कारण भी बढ़ जाता है, वो गुंडा परची का की हल है? देखो गुंडा परची का यह है, जब असी पंजाब दे विच संयुक्त किसान मोर्चे की सरकार बननी है तो यह गुंडा परची का अपने आप बंद हो जानी है। साडे लीडर राजनीति करन वास्ते नहीं आए, ना असी राजनीति करन वास्ते आए, असी तो एक आम किसानां दे विच विचरन वाले लोग हैं। मैं बिना सिक्योरिटी दे, क्योंकि सानू किसी सिक्योरिटी की कोई लोड़ नहीं, सानू किसी तो कोई खतरा नहीं, आम लोगों के विचर रहे हैं, अपना हुक्का दे रहे हैं घर घर जाके। एक गुंडा परची जी चल रही है, इनू तो असी बहुत जल्द बंद कर देवे जो साड़ी सरकार बन गई है। अक्सर जोड़े उम्मीदवार होंगे उन्होंने सिक्योरिटी पक्षों 2-3 गनमैन मिलते हैं, तुम्हें पेशकश होगी कि गनमैन ले लो? हर बार पेशकश हुई है जी, मैं लिख के भी दिता उन्होंने कि मैनू मुलाजमान की लड़ नहीं जी हैगी, मैं तो आम किसानों विचरन वाला आम जहाँ किसान है। पर फिर भी चोन कमीशन दिया कुछ मजबूरियां, वो कहें भी नहीं असी थानू मुलाजम जोड़े देने हैं, मुलाजम दते हुए हैं मैनू, वो नाल ही है मेरे। अक्सर हुण वड्डियां रैलियां की खुल मिल गई है,
ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਏ ਵੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਗੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈ ਕੌਣ ਸਾਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੇਰਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੋ 8-10 ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।